दिखाओ यार क्या लाया है। पकोड़ा। मुंह की टेस्ट बिगड़ गई ना इसी वजह से पकोड़ा वगैरह लाया है इन्होंने। पकोड़ा पकोड़ा ये किस चीज का है? मूंग की दाल का। मूंग की दाल का है। और क्या तेल में डाला है? और फ्राई किया है। और बता दो रेसिपी, बता दो थोड़ी। खट्टे खा करके मारा। क्या बात कर रहे हो? दो तीन दिए सच में। आज हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है और ये पकोड़े लेके आए हैं। देखो पास से ही लाए होंगे इन्होंने। बताओ ना कहाँ से लाए? सच में रट्टे मिले क्या? ये देखो ये खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं और उसमें मास्क लगा रहे हैं। अभी जब डंडा बैठा था इसके तब मेरे को याद है पुलिस के डंडे इतने मारे आए थे। सच में डंडे बैठे क्या? पुलिस वाला मार रहा था इसे, मेरे तरफ देख रहा था, मतलब एक दो। तो फिर आपको पकोड़े कैसे मिले? अच्छा अच्छा अच्छा, दूर नहीं गए आप फिर? मुझे बाजू में घर है उसका। अरे गरम गरम है यार ये। देखो ऐसे हस्बैंड मिलेंगे कहीं? हाँ सबके लिए कर रहे हो? नहीं पर मेरे लिए ये हल्दी वाला दूध बनाया है यही बहुत है। मैं भी पीने वाला हूँ। हाँ तो आप पीने वाले हो लेकिन अरे यार ये पेट नहीं है ना आपका, फिर भी पेट निकाल रहे हो दिखाने के लिए। अब ये जबरदस्ती जबरदस्ती वाला है वो। हाँ पेट नहीं है आपका फिर भी पेट निकाल रहे हो। लोग पेट मतलब सांस अंदर लेते हैं पेट नहीं दिखाने के लिए। अजी कितना काफी नजीक के लिए? ये अद्विक का है, वो माही का है ना, और उधर का मेरा। आपका कौन सा है? इसमें गरम करता हूं ना ये। हाँ देखो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए सारी चीजें चल रही है, मतलब बच्चों का तो रहता ही है हमेशा, बट मेरा देखो अभी हल्दी वाला दूध बना है। ये देखो मेरा स्पेशल मग है। अद्विक का नहीं, माही का स्पेशल मग जो अद्विक ने दिया है माही को। चलो हाँ मैं ले लूँ क्या हल्दी वाला दूध? हाँ हनी डालो। हाँ काढ़ा बनाने वाले थे ये अभी, बट काढ़ा मैंने ही मना किया। हे गाइस गुड मॉर्निंग। और यार अभी अभी मम्मी को कॉल आया था, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मतलब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों से बोल के रखा था और कुछ भी नहीं हो पाएगा। मामा की शादी थी आप लोगों को पता था, मैंने आपसे शेयर भी किया था। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अमरावती में लॉकडाउन हो गया है। अमरावती में इतने ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं कि लॉकडाउन ही लगा दिया उन्होंने। और लॉकडाउन हो गया है, सैटरडे संडे तो फुल लॉकडाउन होगा। तो इसी वजह से क्या हो गया कि मामा की शादी का थोड़ा सा प्लान जो है वो पोस्टपोन तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब वो करेंगे लेकिन बहुत कम लोगों में उनकी शादी होगी। और यहाँ से जा भी नहीं सकती हूँ मैं शादी के लिए, तो इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ। मैंने इतनी सारी शॉपिंग की थी आप लोगों को भी पता है, और उसके बाद शॉपिंग मैंने कुछ मतलब ऑर्डर भी किए हैं तो वो मुझे अभी रिसीव भी नहीं हुए हैं। इतनी सारी मैंने शॉपिंग करके रखी थी, काफ़ी ज़्यादा अरमान थे मेरे मामा के शादी को लेके। मतलब एक्चुअली आपने अगर मामा की एंगेजमेंट का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा थोड़ी सी ना मामा की शादी लेट हो रही थी, और उसमें हम लोगों को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग कि मामा की शादी को जाना पड़ेगा, अभी मामा की शादी में ये करेंगे, मामा की शादी में वो करेंगे, और इतनी सारी तैयारियाँ करके रखी थी मैंने, बट प्लान पूरा फ्लॉप हो गया। अभी मम्मी बता रही थी कि 20-25 लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं, मतलब लड़की वाले और लड़के वाले पकड़ के 25 लोग होने चाहिए सिर्फ, तो उनकी परमिशन मिली है। तो मम्मी खुद ही नहीं जाने वाली है तो मैं कहाँ जाऊँगी, और यहाँ से निकल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि अमरावती में इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। संडे के दिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है अमरावती में, और संडे को ही शादी थी तो अभी पता नहीं उस दिन होगी या शादी दूसरे दिन होगी वो तो नहीं पता। और रिसेप्शन मामा ने बहुत ग्रैंड रखा था, बट एक्चुअली ये जो शादी है ना वो अकोला में होने वाली थी, और जो रिसेप्शन है वो प्रॉपर गांव में होने वाला था, बट बहुत ग्रैंड रिसेप्शन रखा था उन्होंने। उनका कहना था कि रिसेप्शन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रखेंगे हम लोग, शादी तो वो पता नहीं कैसे होने वाली थी बट शादी भी बहुत ही अच्छी होती और रिसेप्शन भी, तो हमारे यहाँ का रिसेप्शन जो है वो बहुत अच्छा रखने वाले थे मामा। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा अरमान थे मेरे, ये पहनूंगी वो पहनूंगी ये करूँगी वो करूँगी, बट धरे के धरे रह गए यार अरमान सारे, और क्या कर सकते हैं। तो
इसी वजह से थोड़ी सी नाराज हो गई थी मैं। अभी मुझे एक वीडियो शूट करना था, वो भी मन नहीं कर रहा है वीडियो शूट करने का, और मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ। और हाँ, और यार मैंने इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे मामा की शादी के लिए कि आपको क्या बताऊँ। मैंने सोचा चलो अलग अलग मेकअप ट्राई करूँगी, लिपस्टिक इतने सारे ऑर्डर किए थे और मेकअप भी इतने सारे ऑर्डर किए थे। मैंने सोचा था कि आपको दिखाऊँगी, ये होगा वो होगा, और कुर्तीज़ वगैरह भी कितने सारे ऑर्डर किए थे। अभी कुछ ड्रेसेस तो मेरे आने भी बाकी है, तो यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऑर्डर, कुछ पार्सल तो मेरे आने के भी बाकी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मतलब इतने सारे पैसे भी, पैसे बर्बाद तो नहीं बोल सकती हूँ, काम में ही आएंगा जो भी, मतलब मैंने ऑर्डर किया था वो काम में ही आने वाला है। अभी नहीं तो और कभी पहन लूंगी, बट फिर भी वो तो है, एक मन में रहता है कि यार नहीं, मामा की शादी में जाना था मुझे, ये करना था वो करना था। जाने दो, मैं ना आपको जो मेकअप प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे वो दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे मेकअप प्रोडक्ट आए यार, मैं ऐसे एक्साइटेड थी कि यार मैं ये कब यूज करूँ, ये कब यूज करूँ, बट अब ये मुझे और किसी फंक्शन में यूज करने पड़ेंगे या घर पे ही आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मुझे एनी टाइम अच्छे से रहना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। और हाँ, अभी भी कॉल आया था, एक और पार्सल आने वाला है मेरा, मेरे पार्सल पे पार्सल आ रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो चलो यार, जो मेकअप मैंने ऑर्डर किया था ना, वो मैं यूज़ करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आपको क्या बताऊँ, क्योंकि जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे ना, वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। काफ़ी दिनों से मैं कार्ट में डालती जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी कुछ है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। कोई नहीं यार, मैं आपको दिखा देती हूँ लेकिन क्या क्या ऑर्डर किया है मैंने। इथे देखिए, ये पार्सल आ गया। इसमें क्या है वो मैं आपको बाद में ओपन करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ आई है यार। मुझे काफ़ी दिनों से मन था लेने का, फाइनली ऑर्डर कर दिया था। अभी बच्चे खेलेंगे, माही और अद्विक। इसमें जल्दी बोलो, येलो सैंडल ऑर्डर की थी। नहीं, वो नहीं है, सैंडल नहीं है, सैंडल नहीं है, दूसरी चीज है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो। गाइस, पार्सल आ गया था तो हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं वो पार्सल ओपन करने के लिए, बट कोई बात नहीं। काफी दिनों से मेरा मन था कि वो ऑर्डर करो, क्योंकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैं भी उनके साथ साथ, तो इसीलिए वो ऑर्डर कर दिया था और वो आज रिसीव हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी कि क्या मैंने ऑर्डर किया था, काफी ज्यादा आपको भी पसंद आने वाला है। तो ये है वो जो प्रोडक्ट है मैं आपको दिखाने वाली थी, वो ये है, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किए थे और जो मुझे चाहिए थे वो सारे प्रोडक्ट मैंने इस बार ऑर्डर कर दिए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मामा की शादी के लिए और ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर दिए थे। ये ऐसे प्रोडक्ट है कि मैं इसके काफी दिनों से मेरा मन था कि ये मैं लू, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे कि मेरे खत्म हो गए थे वो मैंने ऑर्डर कर दिए थे, और जो मैं काफी दिनों से लेना चाहती थी वो ऑर्डर कर दिए थे। ये शुगर का है, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है ये है फेसेस कैनेडा का, क्या बोलते हैं, अल्टीम प्रो मेकअप फिक्सर। ये मुझे काफी दिनों से मन था, काफी सुना था मैंने इसके बारे में, और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है इससे जो आपका मेकअप है वो। एक बार आप अपना बेस, मतलब जो आप बेस कर लेते हो उस पर एक स्प्रे कर लो, और उसके बाद आप जब अपना मेकअप पूरा कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद एक बार स्प्रे कर लो, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। तो ये जो मेकअप फिक्सर है वो मैंने ऑर्डर किया था। मेरे पास पहले मेकअप फिक्सर था बट वो इतना, मतलब अच्छा मीन्स बिगनर के लिए अच्छा है, जैसे कि मेरे पास ADS का मेकअप फिक्सर था, काफ़ी दिन मैंने वो यूज़ किया, बट मुझे चाहिए था कि एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर मेरे पास होना चाहिए, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया। तो ये है 649 का मेकअप फिक्सर, मतलब इसकी जो प्राइस है वो 649 है, बट ना ये आपको आफ्टर डिस्काउंट बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। तो अभी सेल चल रहा है इसी वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया, और बहुत कम प्राइस में मिला मुझे, मतलब मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा ही हो गया था, तो इसीलिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी दिनों से मन था तो मैंने परचेस कर लिया फाइनली, मतलब अभी मेरे पास है ये। और सेकेंड है, मतलब अभी अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करने हैं, मतलब जो मैं दिखा रही हूँ अभी,
तो वो प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो अभी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब आपको अगर चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मतलब बाद में लिंक देने के लिए बोलते, तो पहले ही लिंक दे दूंगी और इसके सेपरेट सेपरेट लिंक भी दे दूंगी और एक माय हॉल स्टोर की लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मतलब अगर आपको परचेस करने हैं, मतलब ये सारे प्रोडक्ट अगर आपको देखने हैं तो एक एक की प्राइस देखनी है तो वो आपको एक एक लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय हॉल स्टोर के लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे प्रोडक्ट वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको जो डील अच्छी लगे आप परचेस कर सकते हो। अभी ये मैंने लिया है फेसेस कैनेडा का ही अल्टीम प्रो सेकेंड स्किन फाउंडेशन। मतलब ये जो फाउंडेशन है ना, इतने दिनों से मेरा मन था कि ये फाउंडेशन मैं लूँ, जैसे ये फिक्सर का मन था। मतलब फेसेस कैनेडा के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैंने इससे पहले भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। और ये जो सेकेंड स्किन फाउंडेशन है, मतलब आप अगर डे फंक्शन यूज, मतलब अगर आप डे का कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो उसके लिए ये जो फाउंडेशन है वो बेस्ट फाउंडेशन है। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कोई मेकअप किया है। ये जो सेकेंड स्किन, इसका नाम जो है ना वो इसी वजह से है, आपको लगेगा नहीं कि आपने कोई फाउंडेशन या मेकअप यूज़ किया है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सेकेंड स्किन है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो अल्टीम प्रो सेकेंड स्किन फाउंडेशन है। तो इसमें जो शेड है मेरा और सब कुछ डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे ही दिया है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा है यार, बट प्रोडक्ट भी वैसा ही है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिला था। तो इसकी जो प्राइस है वो 1499 रुपीज़ है, बट इतना कम प्राइस में मिला ना मुझे, तो ये तो मतलब बहुत अच्छी डील मिल गई थी मुझे। और 30 ml इसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है, 30 ml के लिए आपको उतनी मतलब प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। अभी सेल चल रहा है तो आप ले सकते हो, अगर आपको लेना है तो बोल रही हूँ। और ये आपके साइन ऑफ एजिंग को कवर करने में हेल्प करता है, मतलब जैसे कि आपके जो रिंकल्स फाइन लाइंस वगैरह रहती है ना, तो उसे ये कवर करता है। और इसमें जो मेरा शेड है beige 03 है, ये मेरे स्किन टोन से परफेक्टली मैच होता है, तो इसी वजह से ये मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है ये। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये काजल, मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने काजल दोबारा से ऑर्डर कर दिया। मतलब इस काजल को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब आपको बता भी नहीं सकती कितने दिनों से यूज़ कर रही हूँ इस काजल को। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये काजल, मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं ऑर्डर करती रहती हूँ जैसे ख़त्म होता है वैसे। तो बहुत सारे काजल है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही काजल यूज़ करती हूँ, बट जो फेवरेट में से काजल है ना वो मैं काजल कुछ आपको दिखा दूंगी। मेरे पास काजल का भी कलेक्शन बहुत सारा है, मैंने काफ़ी सारे काजल मतलब यूज़ किए हैं, इसलिए कि कौन सा काजल अच्छा है, कौन सा काजल ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है, कौन सा काजल कम लॉन्ग लास्ट करता है, तो इसलिए इसमें से मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा काजल, तो इसीलिए मैं ये ना जब भी ख़त्म होता है वो ऑर्डर कर देती हूँ। ये 180 रुपीज़ का काजल है, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिल गया था ये। तो ये मेबलिन का कोलेसोल काजल है, 24 आवर तो नहीं रहता है बट काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्ट करता है। मतलब जब तक पूरे 2 दिन तो आप मेकअप नहीं रखोगे, एक ही दिन रखोगे, मतलब सुबह से लेके शाम तक, वैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है, आप आराम से ये चल जाएगा उतने टाइम तक। तो और फिर मैंने ये ऑर्डर किए हैं, ये है 2 लिपस्टिक मेबलिन सुपरस्टे मैट इंक लिपस्टिक। तो ये जो लिपस्टिक है ना, इसके बारे में मैं ऑलरेडी इतनी बार आपको बता चुकी हूँ व्लॉग में कि ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, इसकी तारीफ करते हुए मैं थकती नहीं हूँ, इतनी मुझे ये लिपस्टिक पसंद है। लिपस्टिक मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने दोबारा से ये शेड ऑर्डर कर दिया, ये है सीकर शेड, मतलब 245 सीकर। ये शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर मैंने लगा के देखा है, ये वाला शेड है ऑरेंज स्टोन में है, थोड़ा सा ब्राउन, और ये जो शेड है मैंने राइट नाउ अप्लाई करके रखा है, तो ये वाला शेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये शेड जो है वो 120 आर्टिस्ट है, तो ये जो शेड है वो भी मुझे काफ़ी दिनों से लेना था, मतलब पिंक टोन में लेना था, ये तो था ही मेरे पास, ये मैंने अप्लाई कर करके ख़त्म कर दिया है और ये मैंने दोबारा से ऑर्डर कर दिया और ये ऑर्डर किया है। तो ये जो लिपस्टिक है, आप जब तक इसे खुद से रिमूव नहीं करोगे ना तब तक ये रिमूव नहीं होगी। ऐसा कोई फंक्शन अगर आपको अटेंड करना है जहाँ पर आप प्री अप्लाई नहीं कर सकते हो लिपस्टिक को, मतलब आप कुछ भी खाते हो, ऑयली वगैरह खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो आपकी लिपस्टिक बहुत जल्दी निकल जाती है, तो री अप्लाई जहाँ पर नहीं कर सकते हो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली लिपस्टिक है। तो ये लिपस्टिक मैंने ऑर्डर किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसकी तारीफ मैं कितनी भी करूँ कम है। तो जिन्होंने यूज़ की होगी उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं यूज़ की है तो एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये जो शेड है, मैंने आपको ये वाला भी शेड दिखा दिया, ये तो मेरा फेवरेट है ही, और अभी ये दूसरा, ये भी मेरा फेवरेट बन गया है। अभी जब भी जाऊँगी, मतलब 2 टोन में मेरे पास शेड हो गया है इसके,
और एक शेड है मेरे पास, इससे पहले भी ऑर्डर किया था मैंने, वो थोड़ा सा लाइट है, मतलब ये जो पिंक शेड है ना इससे थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो उसे, डेली मतलब डेली वेयर मतलब डेली यूज के लिए यूज़ कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए थे ये हिलेरी रोडा की आई शेडो पैलेट, और ये जो पैलेट है ना मैट पैलेट है, तो इसमें कुछ शिमरी शेड भी है और कुछ मैट शेड भी है। जैसे आप अगर ये दो पैलेट ले लेते हो ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब और दूसरे पैलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको सारे न्यूड शेड मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे शेड है, आपको इसमें सारे न्यूड शेड मिल जाएंगे और इसमें सारे डार्क शेड मिल जाएंगे। तो ये दो का पैक आता है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था, मुझे चाहिए था, मतलब काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि ये मेरे पास होने चाहिए, जैसे कि मैं कहीं जाती हूँ या तो मैं ये लेके जा सकती हूँ, और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली मीन्स है यार थोड़ा सा ये है, बट कोई बात नहीं, ये आप यूज कर सकते हो मतलब ट्रैवलिंग में भी। तो इसमें सारे शेड आ जाएंगे, जैसे कि ऐसे गोल्डन है, आप देख सकते हो गोल्डन भी काफ़ी सुंदर है गोल्डन, और उसमें ये ब्राउन शेड है, ये भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, मतलब मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा लूँगी तो और भी ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। ये देखो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है, ये गोल्डन येलो है, उसके बाद काफ़ी सारे शेड है, जैसे कि डार्क पर्पल है यहाँ पे, आप बहुत सारे शेड इसमें से यूज़ कर सकते हो, मतलब आप अगर कोई भी मेकअप कर रहे हो ना तो ये मतलब ये जो पैलेट है वो आपके काम आएगा। और उसके बाद 16 आई शेडो आपको इसमें मिल जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। तो इसमें आपको जैसे कि आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आप अलग कोई शेड यूज़ करना चाहते हो, तो वो सारे शेड इसमें आ जाएंगे। तो मतलब अगर आप ये दो पैलेट ले लेते हो ना तो आपको किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, येलो है, सारे शेड आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आपको और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप बिगनर भी हो और आप थोड़ा सा एक्सपर्ट भी हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब प्राइस तो आप पूछो मत, बहुत कम है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसके पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग और इसकी सारी चीज़ें जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है। तो ये मैंने लिया है, आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ यार मैं, बट ये है कि यार अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, मतलब अच्छी चीज़ें हैं तो आपके पास, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके पास पहुँचाऊँ कि आपको आपका लॉस ना हो और आपके पैसे बर्बाद ना हो। मेकअप में ऐसा होता है कि आप हम लोग एक्साइटमेंट में कोई भी चीज़ ले लेते हैं बट पैसे बर्बाद हो जाते हैं यार, अच्छा नहीं निकलता है। तो आई शेडो में तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा मेरे पास बहुत ज़्यादा आई शेडो है, बट ये मुझे अच्छा लगे इसी वजह से बता रही हूँ। मतलब आप अगर बिगनर हो तो आप ये सिर्फ दो आई शेडो ले लो, आपका काम चल जाएगा उसमें। और मैंने नेक्स्ट ऑर्डर की है ये वाली लिपस्टिक, ये ना मेबलिन की, कौन सी है, मेबलिन न्यूयॉर्क की डिवाइन वाइन, इसमें शेड है ये वो पाउडर मैट वाली लिपस्टिक है, और इसका ना एक भी शेड नहीं था मेरे पास, आपको सच बता रही हूँ। मतलब इतने महंगे महंगे लिपस्टिक्स हैं मेरे पास, बट इसका मतलब ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ये 299, मतलब इसका जो प्राइस है वो 299 रुपीज़ है, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिली है। बट इसका एक भी शेड मेरे पास नहीं था, मेरा मन था कि मैं इसका शेड लूँ, बट अभी ना जब मैं हम लोग ट्रिप पे गए थे तो मेरी जो बड़ी भाभी है कल्याणी, उसके पास इसका शेड था, वो मैंने अप्लाई करके देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसी वजह से मैंने इसमें ये वाला शेड ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ये शेड मेरे पास नहीं था इसीलिए। और मुझे चाहिए था कि एक ऐसी लिपस्टिक हो मेरे पास जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, उसका शेड भी बहुत अच्छा हो और क्रीमी भी हो, मतलब जैसे कि कभी मन करता है ना, मतलब जैसे कि मैट लिपस्टिक नहीं लगाओ या ड्राई कर जाती है बहुत सारे लोगों के लिप्स को, तो उनको जिनको बुलेट लिपस्टिक अच्छी लगती है तो उनके लिए ये बेस्ट लिपस्टिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो इसका जो शेड है मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा शेड है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा। मतलब एक दो दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों को ये वाली लिपस्टिक पसंद आई थी, मतलब पूछ रहे थे कि कौन सी लिपस्टिक है, तो वो यही वाली लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आपके अगर लिप्स ड्राई होते हैं तो आपको लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई नहीं करनी चाहिए, आपको कोई क्रीमी मैट वाली लिपस्टिक, मतलब मैट भी होनी चाहिए और क्रीमी भी होनी चाहिए, तो ये लिपस्टिक आपके लिए बेस्ट लिपस्टिक होगी। तो ये इसका शेड और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। और शेड कुछ इस तरह से है, काफ़ी प्यारा शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है। और दूसरी लिपस्टिक है ये मैंने वेट एंड वाइल्ड की ऑर्डर की है, ग्यूमिया मोका, ये जो लिप शेड है
इसके बारे में मैंने इतना ज्यादा सुना था कि आपको क्या बताऊं, मतलब जब भी वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक के बारे में सुनती थी ना तो यही शेड सामने आता था कि ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा है, ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैंने भी सोचा यार मेरे पास होना ही चाहिए, कब से मैं सोच रही थी कि ये शेड तो मेरे पास होना ही चाहिए पक्का। तो ये ब्राउनिश टोन में है शेड, और ये शेड कुछ इस तरह से है, है ब्राउनिश मीन्स थोड़ा सा पिंकिश टोन, ब्राउनिश टोन, मतलब ये शेड कैसा है ये मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती, बट आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब ये भी नहीं मॉविश शेड है, वो भी नहीं है, अलग ही टोन है यार, बट बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये शेड है, तो ये भी काफ़ी प्यारा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। ये मैंने कंसीलर ऑर्डर किया है, मैंने कंसीलर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था मैंने, काफ़ी ज़्यादा, और उस पर ये खरे भी उतरे हैं, बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज वाले कंसीलर है और काफ़ी क्रीमी है। तो ये स्विस ब्यूटी के कंसीलर है, मतलब अमेजोन पे ना इसका एक नहीं मिलेगा पैक, इसका दो ही पैक मिलेगा आपको। काफ़ी दिनों से मैं कार्ट में डाल के रखा था मैंने, मुझे लगा था कि इसका एक मिलेगा, बट नहीं, ये एक नहीं मिलेगा, दो ही मिलेगा आपको और दो ही लेना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कवरेज देता है, मतलब अगर आप ब्लेंड करते हो तो ब्लेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कवरेज भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, तो आपके जो डार्क सर्कल है पूरे गायब होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ, देखो ये मेरा टैटू भी गायब हो गया है। तो इस तरह से कवरेज है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका कवरेज वगैरह सब कुछ। तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से ब्लेंड होता है और कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सिल्क ब्यूटी की कंसीलर है। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये मैबलिन का न्यूयॉर्क कोलेस्ट्रॉल मस्कारा, क्योंकि ये जो मस्कारा था मेरे पास नहीं था, और ये मस्कारा तो इसकी तो पूछो ही मत, मतलब इसकी तारीफ तो सब लोग करते हैं, तो इसी वजह से मेरे पास ये मस्कारा होना ही चाहिए था। मेरे पास था मेबलिन के दो मस्कारे थे, जैसे कि वो एक लैश सेंसेशनल मस्कारा है और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेबलिन के मस्कारे तो आप पूछो ही मत, सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और एक वो भी है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, और ये है। तो मेरे पास अभी तीनों मस्कारे हो गए मेबलिन के, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी इसकी जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ है, बट आफ्टर डिस्काउंट कम प्राइस में मिल गया था, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में। और उसके बाद अभी ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन मेरे पास ऑलरेडी था, बट वो जो शेड है थोड़ा सा लाइट था मेरे स्किन टोन से, मैं उसमें मैच करके लगा देती थी, भी फाउंडेशन उसमें मिक्स करके लगाती थी, थोड़ा सा लाइट था मेरे स्किन टोन से। और अभी ये जो शेड है वो सनबेज है, तो ये मेरे स्किन टोन से परफेक्टली मैच होता है, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिया। और ये छोटा सा इसीलिए ऑर्डर किया, मतलब ये जो पाउच है, पाउच बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, ट्यूब पैकेजिंग में इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि अभी शादी में जाना था, तो इसी वजह से मैंने ये ट्यूब पैकेजिंग में ऑर्डर किया। और ये वाला लेके जाने वाली थी मैं, मतलब दोनों फाउंडेशन लेके जाने वाली थी, तो रिसेप्शन में वो लगाती और शादी में ये लगाती, कौन से शादी में वो लगाती सॉरी और रिसेप्शन में ये लगाती, तो ऐसे दोनों करके लगाने वाली थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। फिट मी के बारे में तो आपको बताना की ज़रूरत भी नहीं है, फिट मी फाउंडेशन कितना ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो फाउंडेशन है वो लिया है मैंने, और इसमें मेरा शेड है सनबेज। और ये मैंने फेक नेल्स ऑर्डर किए थे, तो ये कुछ इस तरह से है फेक नेल्स, काफ़ी सारे नेल्स आ जाते हैं इसमें, जैसे कि मतलब 10 नेल्स आ जाते हैं, 10 और 10 बार आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, 10 बार आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ऐसे 10 आपको इसमें नेल्स मिल जाते हैं, और नेल्स काफ़ी बड़े हैं। आप फेक नेल्स लगाने का आपको शौक है तो आप इसे ले सकते हो। तो ये मैंने लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी। और फिर ये है, और लास्ट में आपको शुगर का दिखाती हूँ। तो ये है मेबलिन का मतलब लास्टिंग ड्रामा, जो जेल आइनर होता है, जेल आईलाइनर हाँ, तो वो होता है वो है। तो ये देखिए मेबलिन की ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतने ज़्यादा अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरी बात तो जेड ब्लैक कलर है इसका, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा काजल है यार, मतलब काजल की तरह भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और ये देखो, जितनी थीन लाइन आपको लेना है उतनी थीन लाइन आप ले सकते हो, काजल की तरह भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको इस तरह का ब्रश मिलेगा, इस पर एक कैप मिलेगी, और उसके बाद ये वाला जेल लाइनर मिलेगा।
तो इसे आप एज अ लाइनर भी यूज कर सकते हो और काजल भी यूज कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग का तो पूछो ही मत, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये तीनों ही चीजें चाहिए होती है इसमें, काजल और लाइनर में हमें, तो वो सारी चीजें इसमें है। और ये है शुगर का, शुगर की जो चीजें चाहिए थी मुझे वो इस बार मैंने सारे ऑर्डर कर दी, मतलब सारे मीन्स कुछ बजट का भी देखना पड़ता है यार, बट जो चाहिए थी मैंने ऑर्डर कर दी इस बार। तो ये देखिए, ये मैंने ये लिपस्टिक ऑर्डर कर दिया था, मतलब ये अगर आप कोई, आप अगर ब्राइड हो ना तो इस लिपस्टिक को पक्का लो, आपकी अगर शादी होने वाली है ना तो इस लिपस्टिक को लेके आप रिग्रेट नहीं करोगे। मतलब ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा अच्छी है और शेड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका। ये रेड शेड मैंने ऑर्डर किया है इसमें, ये देखो, और इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है शुगर की ये वाली लिपस्टिक कि आप को क्या बताऊँ। ये देखो ये वाला शेड है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है, मतलब ऐसा शेड ना आपको शुगर में ही मिलेगा। और लिपस्टिक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, और शेड तो काफ़ी प्यारे होते हैं इनके। काफ़ी सारे शेड है मेरे पास, इसमें नहीं है जो स्मज में, इसमें जो ये जो शेड है वो 01 शेड है। आप लिंक तो दे ही दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और उसके बाद ये जो पैलेट है ना, ये पैलेट मैंने आई थिंक 4-5 महीने से कार्ट में डाल के रखा था, तो उसे मैं थोड़ा सा वो विश लिस्ट में डालती थी, कार्ट में डालती थी, ऐसे करके फाइनली ये पैलेट मैंने ले लिया। मैंने सोचा था कि एक बार लूँगी ना सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने मुझे चाहिए वो एक बार ऑर्डर कर दूँगी, तो इसी वजह से ये मैंने ले लिया था। और यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मतलब ये जो शेड, ये जो पैलेट है वो कॉन्डोर पैलेट है, तो यहाँ पर आपको ब्लश शेड मिल जाता है, यहाँ पर आपको हाइलाइटर शेड मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये कॉन्डोर शेड मिल जाता है। तो ये सारे शेड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब एक पैलेट अगर आप लेते हो और इसमें ही देख के आप अपना मेकअप कर सकते हो, तो इसमें आपको मिरर भी मिल जाता है और ये प्रोटेक्शन शीट भी मिल जाती है इसके ऊपर। तो इसके जो मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं, शेड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब एक पैलेट में आपका सारा काम हो जाएगा। तो हाइलाइटर शेड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सटल वाला हाइलाइटर है, ऐसे चमके पार्टिकल्स नहीं है उसमें, तो ये बहुत सटल वाला हाइलाइटर है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है। और ये आप क्या बोलते हैं कॉन्टर के लिए यूज़ कर सकते हो ये वाला शेड, तो ये सारे शेड आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये वाला जो पैलेट है वो भी मुझे काफ़ी दिनों से लेना था, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया है, और काफ़ी क्यूट सा है यार। मतलब जब आपके पास ये कहीं जाते हो, मतलब आपके पर्स में कैरी करते हो, तो एक अलग सा ही इंप्रेशन पड़ता है, तो इसी वजह से शुगर तो है ही ब्रांड। और ये मैं आपको दिखाना भूल गई, ये शार्पनर आया है, जैसे कि वो जो पेंसिल है ना, क्या बोलते हैं लिपस्टिक, तो उसके लिए ये शार्पनर है, उसके साथ आया हुआ है। तो इतना मोटा शार्पनर नहीं मिलता है, इसी वजह से ये वाला शार्पनर आया है। मतलब यार निकल जा निकल जा, नहीं निकलेगा। तो इसमें दो शार्पनर मिलेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, नहीं निकलेगा ये आज के दिन। तो ये मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। चलो ये है आज की जो शॉपिंग है मेरी वो है। और यार इतने अरमानों से ये सारी शॉपिंग की थी और सारे अरमानों पे पानी फैल गया पूरा। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ये तो प्रोडक्ट यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यूज़ तो करूँगी यार, क्योंकि इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरे पास होने चाहिए, फाइनली ये मेरे पास आ गए, तो यूज़ तो बहुत मतलब खुशी खुशी से करूँगी, बट मामा की शादी में यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अगर आपको परचेस करने हैं तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। कोई भी चीज़ परचेस करनी है तो अभी अगर आप परचेस करते हो तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसी वजह से बता रही हूँ, नहीं तो शेयर तो पक्का करती, बट अभी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज यहाँ पर आ गई हूँ मैं डेंटिस्ट के पास, और हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था यार मेरे दांतों में, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसी वजह से मैं ना मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांतों में, तो इसी वजह से रूट कैनल बोला गया था, तो रूट कैनल करने के लिए आ गई थी मैं यहाँ पर। और रूट कैनल का मैं आपको बता दूँ, इतना ज़्यादा परेशानी थी मुझे कि रूट कैनल करना ही पड़ा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रूट कैनल करने के लिए आ गई हूँ। दोनों दांतों में दर्द है मेरे, पहले मैं इसका कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे का करूँगी। तो चलिए फिर अभी यहाँ पर रूट कैनल करूँगी, घर पे जाके तो बात नहीं कर पाऊँगी आपसे, तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।
मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, मैंने इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपको वहाँ पर जो मैंने वीडियोज़ और फोटोज़ अपलोड किए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लेना। और आपको जो प्रोडक्ट दिखा है वो भी अगर आपको परचेस करना है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।